जो एक बार फिर से हम सभी को सावधान कर रही है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है, बैठक चल रही है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि देश में 24 घंटों में 1134 नए मामले सामने आ चुके हैं और देश में एक्टिव केसेस 7026 पर पहुंच गए हैं। तो 4.5 महीने बाद 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। जानकारी दे दें कि आखिरी बार 6 नवंबर 2022 वो तारीख थी जब 1000 से ज्यादा केसेस आए थे देश में कोविड के। अब आज एक बार फिर से कोविड के आंकड़े बढ़े हैं और 4.5 महीने बाद 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। तो कोरोना को लेकर टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। केंद्र सरकार की ओर से हाई लेवल बैठक भी बुलाई गई है, मीटिंग चल रही है। देश में 24 घंटे में 1134 नए केस मिले और एक्टिव केसेस की संख्या 7000 के पार पहुंच गई है। एक बार फिर हमें सावधान रहना होगा, लेकिन देखिए मामले बढ़े और उसके बाद मीटिंग भी केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई है। कोविड से संबंधित स्थिति राज्यों में क्या है, इसके साथ ही क्या कुछ तैयारियां, इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और पीएम आवास पर ये बैठक हो रही है। और बता दें मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुल कोरोना के 33 एक्टिव केसेस हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 23 एक्टिव केस, भोपाल में 4 और जबलपुर में 2 केसेस सामने आए हैं। इधर ग्वालियर, अलीराजपुर, सागर में 1-1 केसेस कोरोना के मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 7 है, तो वहीं रायपुर में 4, दुर्ग में 1 और बिलासपुर में 1 मरीज में कोविड की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 24 जिलों में अगर बात की जाए तो एक भी कोरोना के मरीज नहीं है। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 0.15% है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोविड के क्या हाल है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं, लेकिन इस बीच देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल बढ़ते आंकड़ों के बीच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारियां हैं ये जरा हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। सीधे रुख करते हैं, 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, भोपाल से सूरज शर्मा और बिलासपुर से हमारे साथ उमेश मौर्य इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के 33 एक्टिव केस हैं और इंदौर में सबसे ज्यादा संख्या 23 बताई जा रही है। बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, जिस दिन से मध्य प्रदेश में कोरोना केस की संख्या बढ़ी थी और जब 0 से हम 1 पर आए थे उसी समय स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया था और शायद यही वजह है कि एक ट्रायल जो ड्राई रन है वो भी अस्पतालों में किया गया था, खासतौर से जो बड़े चिकित्सालय हैं चाहे जिला अस्पताल है, वहाँ पर किस तरीके से बिस्तरों की संख्या है, दवाइयों की संख्या है, जो ऑक्सीजन प्लांट है उनका एक ड्राई रन ट्रायल किया गया था कि कहीं अब भविष्य में आने वाले समय में संक्रमण बढ़ता है तो किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है। हालांकि अभी भी बात करें तो बहुत ज़्यादा संक्रमण दर नहीं है। 250 लोगों का टेस्ट 21 तारीख को हुआ था, इसमें सिर्फ 5 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए, यानी कि 1.9 जो है वो संक्रमण दर है मध्य प्रदेश में। 33 एक्टिव केस फिलहाल मध्य प्रदेश में, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या यदि बात करें तो इंदौर में है, वहीं भोपाल में 4 जो नए मरीज हैं वो सामने आए। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि हाल ही में जिस तरीके से त्यौहारी फेस्टिव सीजन रहा, वो होली के दौरान जिस तरीके से भीड़भाड़ वाले इलाके में लोग गए और एक साथ घुल मिलकर होली खेली, जिसमें कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ा है। और यही कारण है कि अब लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर लोग कम से कम जाएं, ज़्यादा से ज़रूरत हो वहीं पर जाएं, ताकि संक्रमण दर जो है वो मध्य जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पॉजिटिविटी दर ना बढ़े, इसलिए सरकार के साथ प्रशासन के साथ हमें भी कुछ एहतियातन कदम उठाने होंगे और कदम वही हैं जो हम पहले से जानते हैं। बिलासपुर का रुख करेंगे, बिलासपुर से हमारे साथ उमेश मौर्य इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश, देखिए छत्तीसगढ़ की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ कोविड की स्थिति है। हालांकि राहत की बात है कि पॉजिटिविटी दर प्रदेश में 0.15 है और जिले में अभी भी 24 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है, लेकिन टेंशन इसलिए क्योंकि दूसरे राज्यों में आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब क्योंकि त्योहारी सीजन है, नवरात्र शुरू हो गया है, तो भारी भीड़ हर जगह हमें देखने को मिल रही है। अब बिल्कुल जया, एक बार फिर से जो कोरोना की दस्तक है वो फिर से हो चुकी है और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ बिलासपुर जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है स्वास्थ्य विभाग ने।
बिलासपुर जिले की ही मैं अगर बात करूं तो यहां पर 5 एक्टिव केस है और वहीं इलाज के दौरान एक कोरोना पॉजिटिव महिला जो 42 वर्षीय थी बीते शनिवार को उनकी मौत हो गई है। यानी कि खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, खतरा जो है वो उसको अब भापने की जरूरत है। लिहाजा इसे ध्यान में रखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है वो एक्टिव हो गया है, तमाम जो निजी अस्पताल है, जिला अस्पताल है, सिम्स है, वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जो 5 मरीज मिले हैं वो बिलासपुर के 3 है, कोटा और बिल्हा ब्लॉक के 1-1 मरीज हैं जिनको होम आइसोलेट किया गया है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त सीधे तौर पर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी है जो CMHO है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं, क्या अलर्ट जारी किया है आपने? हमने 5ों CSC को प्लस जिला अस्पताल और सिम्स को आइसोलेशन वार्ड पूर्ण रूप से तैयार करने के सख्त निर्देश दिए हैं और साथ ही 5ों CSC और जिला अस्पताल को कांटेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए और जो मरीज मिले उनके घर पे जाके उनको उनके घर के बाकी जो मेंबर्स उनका ट्रीटमेंट करने, उनका सैंपलिंग लेने और उनको घर में ही होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई मरीज भर्ती होना चाहता है तो हमारी पूर्ण व्यवस्था है, शासन पूर्ण सजग है, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास में और सभी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। सर, ये नया वेरिएंट जो बता रहे हैं NS3N1, ये कितना खतरनाक हो सकता है आम आदमी इंसान के लिए, मनुष्य मानव जाति के लिए? नहीं, अभी उतना खतरनाक नहीं जितना सेकंड वेरिएशन था, सेकंड जो चला था कोरोना का, कोविड का दौर चला था, उतना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन कोविड तो कोविड है ना, लोगों को सारी प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। आपको पूर्ण की तरह हाथ धोना है, मार्केट से आके सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और मास्क पहन के ही भीड़ भाड़ में जाना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो नवरात्रि की भीड़ भी बढ़ते जा रही है, तो मैं लोगों से अपील करूंगा थोड़ा सा भीड़ वाली जगह में कम जाए या कोशिश करें आप मास्क पहन के रहें वहाँ। बिल्कुल, देखिए CMHO साहब ने ये बात उमेश निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण की है कि वेरिएंट कोई भी हो लेकिन सावधानी हमें पूर्ण जैसी ही रखनी है, जो पूर्व में हम सावधानी रख रहे थे वैसी ही सावधानियां हमें बरतनी होगी और उस दौर को नहीं भूला है कोई भी, ना ही वो कोई सावधानियां भूला, लेकिन एहतियातन मास्क आप जरूर लगाइए, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए जितना संभव हो, हाथ को धोते रहे, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ये कुछ सावधानियां हैं ये आपको बरतनी होगी। और टेंशन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि कोविड के साथ साथ H3N2 वायरस जो है वो भी बढ़ रहा है, इसीलिए टेंशन ज्यादा है, लेकिन सावधानियां हमें बरतनी होगी, लापरवाही नहीं करनी है। बहुत धन्यवाद आपका सूरज, इसके साथ ही उमेश आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।